बुरहानपुर के लोखंडिया में मोती माता के मेले में 25 जनवरी को माता का विशेष श्रृंगार कर ध्वज चढ़ाया गया। जिले का सबसे बड़ा मोती माता का 5 दिनी मेला लोखंडिया में 24 जनवरी से शुरू हुआ, 29 जनवरी तक यह मेला रहेगा। समिति ट्रस्ट के सचिव ईश्वर जाधव ने बताया कि मेला 26 एकड़ क्षेत्र में लगेगा। मंदिर के बाहरी परिसर तक महिला पुरुषों के लिए रेलिंग लगाई गई है। मेले के लिए दुकानें लगने के साथ ही तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। देखिए, हम तो ये जो मोती माता मंदिर ट्रस्ट है, ये लगभग मेले के पहले 1 महीना पहले से मतलब पूरा हम इस तैयारी में लग जाते हैं। अभी जैसा मेला ये लगभग मतलब 200 साल पुराना है, मतलब जब से लगता आ रहा है मेला। सर्वप्रथम मोती माता की जय। वही मेले के लगने को 250 साल हो गए। पुराना मेला है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, और हमारे इसमें सबसे ज़्यादा बंजारा समाज इसमें अग्रणी है। क्या व्यवस्था यहाँ पर, क्या मान, मतलब ऐसी क्या विशेषता है इसमें? विशेषता है जो है यहाँ पर जो भी जो जिसको दुख है होता है और जो अपनी मुसीबत की होती है वो मन्नत मान के यहाँ आता है, और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रसाद मिठाई का है। मोती माता मंदिर लोखंडिया का पिछले 400 वर्ष से यहाँ के सभी जिले वासियों की आस्था है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पूरे जिले और पूरे प्रदेश की सुख शांति की यहाँ प्रार्थना करते हैं। हजारों लाखों लोगों की आस्था माता के यहाँ जुड़ी हुई है। आज हम भी परिवार समेत माता के दर्शन करने आए हैं। देखिए, मोती माता जी का मेला काफ़ी वर्षों से यहाँ पे प्रतिवर्ष लगता है मेला, और इसमें जो है काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं लोग, और बड़े स्तर पे पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है यहाँ पे, तो उसकी पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें कि किसी प्रकार से कोई विघ्न पैदा न हो। मेला शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए हमने पर्याप्त बल की व्यवस्था की है, और हमारा बल जो है अभी वर्किंग में है, और बाकी तो सब ठीक है।